और एक महीने के लंबे अंतराल के बाद इंडियन टीम वापस से आ गई है क्रिकेट के मैदान पर। इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज की शुरुआत होने वाली है, दो टेस्ट मैच की सीरीज से शुरुआत होगी और यहीं से इंडिया और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की थर्ड एडिशन शुरू कर देंगे। दो टेस्ट मैचेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडियन टीम के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए, जहां इंडियन टीम WTC फाइनल हार के आ रही है तो कहीं ना कहीं मलाल जरूर होगा। लेकिन जो तीसरा एडिशन है, जो 2023-25 WTC साइकिल है, उसकी शुरुआत काफी जोरदार करने वाली है। विंडसर पार्क का मैदान, 12 जुलाई डेट, जब दोनों ही टीमें मैदान पर होंगी। भारतीय टीम का दबदबा अभी तक टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिला है और ऐसा ही मुकाबला वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मैच प्रिडिक्शन की। दोनों ही टीमों के बताएंगे प्रोबेबल प्रेडिक्टेबल 11 जो मैच में आपको खेलते दिख सकती हैं। इसके अलावा बात करेंगे इस मैदान की, भाई मैदान कैसा खेलने वाला है और ब्रॉडकास्ट कहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर आते हैं। जो विंडसर पार्क डोमिनिका का मैदान है, पिच टाइप भाई बॉलिंग है, लेकिन सपोर्ट करता है स्पिनर्स को काफी ज्यादा और इसका ठीक ख्याल आपको दिख रहा होगा एवरेज स्कोर्स की ओर देखते हुए। फर्स्ट और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 275 है, वहीं आखिरी दोनों इनिंग में जाकर 200 रन बनते हैं। काफी स्लो विकेट हो जाता है तीसरे चौथे पांचवें दिन, तो भाई यहां पर स्पिनर्स पर खासा भरोसा होगा, नजरें होंगी जब आप फैंटेसी टीम भी बनाएंगे। फैंटेसी टीम के बारे में भी हालांकि बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्कोर की। लो है और मैदान भी ऐसा ही है यार, 12,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड है, डायमेंशंस कुछ इसी तरह के हैं, 60 से 65 मीटर की है स्क्वायर बाउंड्रीज, वहीं सामने की बाउंड्रीज थोड़ी सी इससे ज्यादा लंबी है, 64 से 66 मीटर की। मैदान छोटा है और स्लो विकेट है, तो भारतीय स्पिनर्स गेम में आएंगे। अब बात करेंगे प्रेडिक्टेबल 11, प्रोबेबल 11 इस मैच की क्या हो सकती है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, शाय होप नहीं है, काइल मेयर्स नहीं है, स्पिन डिपार्टमेंट में गुदाकिश मोती नहीं है, तो भाई टीम में है कौन। सबसे पहले टीम के कमान संभालने हैं क्रेग ब्रेथवेट, सबसे बड़ा नाम इस वक्त की टेस्ट क्रिकेट में ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में है। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज के टेस्ट इतिहास में टॉप जिन्होंने खिलाड़ियों ने गेंदे खेली हैं सबसे ज्यादा, उसमें आता है क्रेग ब्रेथवेट का नाम। गॉर्डन ग्रीनेज, क्रिस गेल, सर विवियन रिचर्ड के बाद चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं क्रेग ब्रेथवेट, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेली है वेस्ट इंडीज के लिए सबसे ज्यादा बॉले। बाकी प्लेयर्स के ऊपर अगर नजर गड़ाएंगे तो टीम सॉर्टेड तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा सा ही प्रदर्शन था, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी टीम बाहर हो गई और मतलब काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा था। तो इसके अलावा अगर हम देखें, जेसन होल्डर के पास एक्सपीरियंस है, अलजारी जोसेफ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, KMR रोच है, गुडाकेश मोती की जगह टीम में जगह दी गई है रकीम कॉनवेल को, जो कि है तो ऑलराउंडर लेकिन स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। अब भारतीय पेसर्स के आगे और स्पिनर्स के आगे कैसे खेलते हैं ये तो देखने को बनती होगी बात, लेकिन ओवरऑल सही जा रही है, कैंपेन कैसा जाता है पता चल जाएगा। टी चंद्रपॉल बैटिंग डोमेस्टिक्स में अच्छी रही है और टीम की तरफ से भी अच्छे कर रहे हैं, तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं इस मुकाबले के वेस्ट इंडीज के लिए। अब बात करेंगे भारतीय टीम के लिए, दो मेडन कॉल अप हुए हैं, इंडियन जर्सी डॉन करते हुए देखेंगे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने IPL में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है पिछले 2 सालों में राजस्थान रॉयल्स के लिए। इसके अलावा मुकेश कुमार ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, कैपिटल्स का सफर इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन मुकेश कुमार ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया और इसीलिए इन दोनों को ही मेडन कॉलअप दे दिया भारतीय टीम ने, और अपने पहले ही मुकाबले में खेलते भी देख सकते हैं। कप्तानी की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, शुभमन गिल उनके साथ ओपनिंग करते दिखेंगे। एक जो बहुत बड़ा मेजर चेंज दिख रहा है वो है चेतेश्वर पुजारा का एक्सक्लूजन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ओवरऑल बैटिंग फ्लॉप रही थी लेकिन चेतेश्वर पुजारा के ऊपर घास गिरी है, उन्हें हटाया गया है, रीजन काफी बड़ा है, लेकिन उनकी जगह यशस्वी जायसवाल लाए जाएंगे। फर्स्ट राउंड में कैसा खेलते हैं ये तो मैच में दिख जाएगा, लेकिन जायसवाल का परफॉर्मेंस डोमेस्टिक और IPL दोनों में अच्छा रहा है, तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर भारतीय टीम की तरफ से हो सकते हैं। इसके अलावा विराट कोहली अजिंक्य रहाणे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ये भी होंगे, क्योंकि विराट कोहली जहां फॉर्म में चल रहे हैं वहीं अजिंक्य रहाणे ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए थे इंडियन टीम की तरफ से, तो ये भी इनके ऊपर भी निगाहें होंगी। विकेट कीपिंग की कमान ईशान किशन संभाल सकते हैं, जो कि अपना टेस्ट मुकाबला खेलते दिखेंगे। श्रीकर भरत का परफॉर्मेंस पिछले 6-7 टेस्ट मुकाबलों में अच्छा नहीं रहा है, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ईशान किशन मैच में खेलते दिख रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स आपकी लिस्ट पर हैं ऑलरेडी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें भारतीय टीम काफी बैलेंस नजर आ रही है। खास निगाहें यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार पर होने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी मेडन कॉलअप मिला है और एक अच्छी परफॉर्मेंस से
टीम मैनेजमेंट को अपने पक्ष में, अपने फेवर में लेना चाहेंगे। अब बात करेंगे भाई ये मुकाबला आपको देखने को कहां मिलेगा। तो भाई देखिए टेलीकास्ट जो हो रहा है वो टेलीविजन यूजर्स के लिए डीडी स्पोर्ट्स पे आपको ये मुकाबला दिखाई देगा। पूरी सीरीज जो 5 T20 खेलेगी, 3 ODI खेलेगी भारतीय टीम्स के अलावा, 2 टेस्ट मैचेस से इस सीरीज की शुरुआत होगी, इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, उसमें यहां पर आपको डीडी स्पोर्ट्स टीवी यूजर्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। वहीं OTT यूजर्स जो हैं वो जियो सिनेमास और फैन कोड पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो भाई 3-3 प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी जाके आप मैच एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करेंगे मैच के प्रिडिक्शन की, भाई होने क्या वाला है मैच में। देखो इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलियन टीम भी डोमिनेट कर रही है, लेकिन जब वेस्ट इंडीज और इंडिया की बात आएगी तो मैच काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। इंडियन टीम पर निगाहें होने वाली है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पर, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है और ये दोनों खिलाड़ी काफी खतरनाक है। जहां एक तरफ रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड टेस्ट रैंक नंबर 1 बॉलर हैं, वही रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो भाई 3 दिन में मुकाबला खत्म कर रही है भारतीय टीम, जीतेगी भी इंडियन टीम ही। इसके अलावा विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल इस मैच में 100 से ज्यादा रन बनाएंगे। वहीं गेंदबाजी में जैसे कि मैंने बोला रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा 5 से ज्यादा विकेट चटाते दिख रहे हैं। तो भाई ये रहा मैच का लेखा जोखा, इंडियन टीम मैच जीत रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर फॉलो कर दीजिएगा, और अगर हमारा भला चाहते हैं तो खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।